दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज कुछ इम्पोर्टेंट 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे सामान्य विज्ञान के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। आपको एक क्वेश्चन आता है तो सही बात है, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन को नोट डाउन करने की कोशिश करें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको इजीली क्रैक कर सकें। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे के हर एक एग्जाम में, चाहे वो एएलपी का हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हो, या टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, या आरपीएफ का हो, या असिस्टेंट मास्टर को का हो, हर एक एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए हमारे चैनल में। आप नए हैं, पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करो जरूर करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंचे। क्योंकि मैं यहां पे डेली रेलवे एग्जामिनेशन का वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आप 50 क्वेश्चन बताऊँगा। तो आप, क्योंकि मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन यहाँ पर डालूँगा, भौतिकी का डालूँगा, जीव विज्ञान का डालूँगा, केमिस्ट्री का डालूँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिकी विज्ञान से, 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन भी आपको साथ में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है? दूरी का। प्रकाश वर्ष या एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो इस टाइप का क्वेश्चन को घुमाया जा भी सकता है। लुमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। लुमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी CURI किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी रेडियो एक्टिव धार्मिता का इकाई का नाम है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिकी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना तृतीय नियम के गति के कारण संभव है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रॉकेट की कार्य प्रणाली समवेत संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों मैं आप वीडियो को, मैं ज़्यादा तेज से बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को पढ़ के एक बार अपने से खुद से बिना आंसर को देखें आप कोशिश करें, ताकि आपको ही पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन 15 में आम में कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाया हूँ। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग समुद्र से सतह से ऊपर रहता है। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किन नियमों का सीधा अनुप्रयोग होता है? पास्कल का नियमों का। दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको हम लोग VVI लिखेंगे, तो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन की कोशिश करना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। पास्कल के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुका है आप पास्कल का नियम से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अब केंद्रीय बल के कारण क्या होती है? क्रीम अलग हो जाती है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग के सिद्धांत पे काम करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर दूरी होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? 1/6 भाग। ये भी बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। आर्किमिडीज का नियम किसके संबंधित है? पलवन का नियम किसे संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसे किया जाता है, किसने किया? वो न्यूटन ने किया है। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाबल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। एक हॉर्स पावर 1 hp कितने वाट के बराबर होता है? वे 746 के वाट के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ये ब्रह्मा पुत्र ने पहले बता दिया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? क्षैतिज से 95 डिग्री की कोण पे मारा जाने से गेंद अधिक दूरी तय कर जाती है। उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रामफोर्ड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? वो वैज्ञानिक का नाम था डेवी। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? ये होता है वायलर के अंदर उच्च उच्च दाब होता है। ताप युग्म तापमानी किस सिद्धांत पर आधारित है? वो शिवेक के प्रभाव के सिद्धांत पे आधारित है। पूर्ण विकिरण उत्तापामी किस सिद्धांत पे आधारित है? स्टीफन के नियम के सिद्धांत पे आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्तापामी के द्वारा मापा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये हम लोग 33 क्वेश्चन देख चुके हैं और हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे? वो होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? वो होता है 32 डिग्री के बराबर। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है सेल्सियस स्केल पर, कितना होता है? वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यदि लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है परमाणु घड़ियां। एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापकर्म फारेनहाइट में क्या होगा? वो होगा 140 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व किस ताप अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मियों में क्यों फट जाते हैं? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किस झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है? झील के अंततः तरल जल का क्या तापमान होता है? वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संरक्षण के किस विधि से पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन के द्वारा। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? वो विधि का नाम है संवहन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? वो माध्यम है विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण के किस विधि में माध्यम आवश्यकता नहीं होती है? वो है विकिरण। ऊष्मा संचरण की यह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं होते कौन सी कहलाती है? विकिरण कहलाती है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का सर्वेक्षण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त का किरण भाग और सोलर कुकर को गर्म कर देता है। धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजक कौन सा सबसे उचित होता है? ऊपर सफ़ेद वाला, नीचे काला, तो इसे क्या होता है कि धूप नहीं लगता है।
किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्टिक की दीवारों पर कलई की जाती है, वो है विकिरण। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे फिजिक्स से, जो कि मैं 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। मैं डेली ऐसे आपको जीएस और जेके का क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहूँगा। आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।